सो हेलो गाइस, माय नेम इज अनामिका मिश्रा एंड वेलकम टू योर चैनल। सो आज की इस क्लास थर्ड की वीडियोस हम लोग सीएसएस कमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो एचटीएमएल में हमने पढ़ा था कमेंट क्या होता है, ठीक है। सो कमेंट का बेसिकली ये यूज़ होता है कि ये तो ब्राउज़र में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले नहीं होता है। कमेंट हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर मैं आज कोड लिख रही हूँ और कोई सेकेंड डे कोई भी मेरा कोड देख रहा है तो उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये जो कोड लिखा हुआ है इससे रिलेटेड लिखा हुआ। वहाँ पे कमेंट का मतलब वहाँ पे उसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है। सो कमेंट लिखने का वे कैसे होता है सीएसएस में, हम लोग कमेंट का यूज़ हम लोग डिबगिंग करने के लिए भी यूज़ करते हैं। क्या करते हैं कि कुछ हम लोग जैसे कि बहुत सारे कोड को लिखे हुए हैं और वहाँ पे उसको कमेंट सीएसएस में क्या करते हैं, उसको कमेंट कर देते हैं कुछ कोड को, और हम लोग उसको डिबग करने के लिए भी यूज़ करते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कमेंट इन सीएसएस में। आप एग्जामिनेशन पॉइंट से हमने इसके बारे में लिख दिया है कि व्हाट इज सीएसएस कमेंट क्या है। सो आप इसको पढ़ लेना, सीएसएस कमेंट आर नॉट डिस्प्ले इन द ब्राउजर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीएसएस जो कमेंट होते हैं कोई भी कमेंट, इवन एचटीएमएल हो जाए, पाइथन हो जाए, जावा हो जाए, सी या सी प्लस प्लस, कहीं भी कमेंट डिस्प्ले नहीं होता है ब्राउजर में। बट दे कैन हेल्प टू डॉक्यूमेंट योर सोर्स कोड। आपको ये सोर्स कोड जो आप समझने में ये हेल्प करता है। सीएसएस कमेंट कैसे लिखते हैं, सीएसएस कमेंट आर यूज टू एक्सप्लेन द कोड, कोड को एक्सप्लेन करता है एंड मे हेल्प यू व्हेन यू एडिट द सोर्स कोड एट लेटर डेट। और अगर आप चाहते बाद में एडिट करना तो ये हेल्प करता है। क्या होता है कि अगर आप कुछ टाइम तक कोडिंग नहीं करोगे ना, तो ये जो कोडिंग होता है हर रोज प्रैक्टिकल का चीज़ होता है। अगर आप करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो आप पूरे भूल जाओगे, ठीक है। सो आप लोग जो वीडियोज़ देखते हो उसको प्रैक्टिकल किया करो। प्रैक्टिकल करने से क्या होगा, आपके माइंड में वो चीज़ रहेगा। अगर आप 10 दिन कोडिंग छोड़ दोगे आपका माइंड से वो सब निकल जाएगा, ठीक है। सो आप वहाँ पे क्या किया करो, जब भी आप एक अच्छा प्रोग्रामर और एक अच्छा डेवलपर उसी को बोलते हैं जो बहुत ही अच्छे से कमेंट को यूज़ करता है, ठीक है। क्योंकि कमेंट बहुत सामने वाला उसको रीड कर, किसी को नहीं भी आता है तो वो सामने वाला रीड करके पता कर ले हाँ ये जो कमेंट जो लगाया हुआ है इस टैग में इसका ये इंपॉर्टेंट है। सो आप देखो कि कमेंट आर इग्नोर्ड बाय द ब्राउजर। कमेंट इज प्लेस बिटवीन स्टाइल एलिमेंट एंड स्टार्ट कैसे होता है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश दिया जाता है, फिर एस्ट्रिक का साइन, फिर इंड कैसे होता है तो एस्ट्रिक का साइन एंड फॉरवर्ड स्लैश, ओके। सो यहाँ पे हमने हर पाइथन में भी हमने देखा कि कैसे हम लोग इसका सिंगल लाइन कमेंट होता है और इसका मल्टीपल लाइन कमेंट होता है। ये हमारे सिंगल लाइन कमेंट है, ये आप कहीं भी आप इसको लगा सकते हो, या तो ये इसके आगे लगा सकते हो, इसके यहाँ पे बैक में लगा सकते हो, ऊपर कहीं भी आप कमेंट को कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। यू कैन ऐड अ कमेंट वेयर एवर यू वॉन्ट इन द, देखो कहीं भी आप कहीं जहाँ चाहते हो वहाँ पर आप कमेंट को यूज़ कर सकते हो। कमेंट कैन ऑल्सो स्पैन मल्टीपल लाइन, और कमेंट को हम लोग ऐसे मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि, और HTML और CSS कमेंट में क्या डिफरेंस है, तो HTML जो कमेंट होता है उसे हम लोग कैसे लिखते हैं, एंगल वाले साइन और रहते हैं, और यहाँ पे हमारे क्या रहते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क रहते हैं, ओके, देन एंगल ब्रैकेट, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमारा ये HTML के हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, HTML का कमेंट है, हेड सेक्शन ऑफ द वेब पेज, यहाँ बता रहा है कि हमारा क्या है, ये हेड सेक्शन ऑफ द वेब पेज, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, और यहाँ पे हम लोग साइन देते हैं। इस तरह से होता है हमारा HTML का। फिर हमारा CSS का कैसे होता था, देखो यहाँ पे CSS बॉडी है, सेलेक्टर, और यहाँ पे हमने CSS को लिखा है। फिर मल्टीपल भी हम लोग वैसे ही लिखते हैं, यहाँ पे फिर HTML का हम लोग लिखे हैं, ठीक है। सो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्या कमेंट डिस्प्ले होता है भी है कि नहीं होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग क्या कहते हैं, सबलिम टेक्स्ट एडिटर जो पहले ओपन किए थे यहाँ पे ही ओपन करते हैं। सो ये तो हमारा क्या है, HTML का है। सो हमने इसका रिजल्ट देखा था, आप कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है, इसे कहीं भी लगा सकते हो, बॉडी ऑफ द सेक्शन ऑफ द बॉडी आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे देखो एंगल स्टार्ट करना, फिर आप एक्सक्लेमेटरी मार्क दे देना, ठीक है, उसके बाद आप माइनस दो साइन दे देना, उसके लिखना कि हेयर इज, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, आपको हिंदी में लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हेयर इज पैराग्राफ, ओके, ग्राफ टैग, और इसको क्लोज कैसे करना है, सो क्लोज करने के लिए, ठीक है, फिर एंगल से आपको क्लोज कर देना। चलिए अब इसका रिजल्ट देखते हैं, क्या ये हमारा आउटपुट में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे भी, ई ड्राइव में हम लोग जाएं, ई ड्राइव नॉट एफ ड्राइव, ओके, एफ ड्राइव में जाएंगे, सॉरी एच ड्राइव में, और कौन सा था अभी हमने इनलाइन में किया है ना, हाँ इनलाइन में किया है, ओके, और इनलाइन
जो आप देखो यहाँ पे कहीं भी कमेंट डिस्प्ले हो रहा है, हमने जो लगाया नहीं डिस्प्ले हो रहा है ना, वैसे ही आप सीसीएस में कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमारी सीसीएस की फाइल है, अब चाहते हो आप इस वाले जो बॉडी को है कमेंट कर देना। सो आप जब इसको कमेंट कर दोगे ना तो आपका क्या होगा, आपका शो ही नहीं होगा, ठीक है। आप इसको कमेंट कर दो ऐसे भी सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश दे दोगे तो तब भी आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा, और इसको सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश करोगे तो ये कमेंटेड हो जाएगा, ठीक है। ये पहले कमेंटेड होता है, तो इसको डिबग करने के लिए यूज़ करते हैं। चलो मैं इसको कलर जो है ना, H1 का कलर जो यहाँ पे नेवी है, इसको मैं कमेंट करती हूँ, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश एंड एस्ट्रिक साइन, ओके। एंड इसे क्लोज भी वैसे ही करना है, एस्ट्रिक साइन, एस्ट्रिक एंड फॉरवर्ड स्लैश। सो आपका ये क्या हो गया, ये अब कमेंट हो गया आपका, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये जो लाइन है वो कमेंट हो गया। चलो कंट्रोल प्लस मैं ऐसा करती हूँ और इसको दिखाती हूँ क्या हुआ है कि नहीं। ये इंटरनल सीसेस एक्सटर्नल सीसेस का बात मैं कर रही थी। चलो लेट्स देखते हैं, हम लोग आते हैं यहाँ पे और एक्सटर्नल सीसेस में ओपन करते हैं। देखो हमने टेक्स्ट का कलर जो रखा था वो नहीं है अब, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसे अनकमेंट कर देती हूँ H1 को, ठीक है। इसे मैं अनकमेंट कर देती हूँ, ठीक है। ये अनकमेंट हो गया। अब मैं बॉडी को कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। ली मैं सेलेक्ट की इतनी लाइन को और बॉडी को कमेंट कर दी, ठीक है। देखो कमेंट हो गया। अब बॉडी में जो कलर दिखा रही थी ना वो कलर नहीं शो होगी, ठीक है। मैं रिफ्रेश करूँगी, देखो अब बॉडी में कलर शो हो रही है, नहीं शो हो रही है। सो ये हमारी थी सीसेस में कमेंट कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। आप कमेंट को कहीं भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो कमेंट। आप इस लाइन के बारे में कुछ बताना चाहते हो तो आप फॉरवर्ड स्लैश दो, एस्ट्रिक का साइन दो और यहाँ दे दो कलर ग्रीन, कुछ भी लिख दो कलर ग्रीन, ठीक है, ग्रीन। उसके बाद वैसे ही क्लोज कर दो, ठीक है। तो ये कलर ग्रीन यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका एक कमेंट हो गया जो आपको आउटपुट में शो नहीं होगा। चलो इसका भी रिजल्ट मैं दिखा देती हूँ, नहीं हो रहा है ना आउटपुट शो। सो ये हमारी बेसिकली कमेंट थी जो ब्राउज़र के थ्रू इसको इग्नोर कर दिया जाता है, ये ब्राउज़र में नहीं डिस्प्ले होता है। कमेंट का यूज़ हम लोग अपने सोर्स कोड को समझने के लिए हमारे इजी होता है, कमेंट का यूज़ करना चाहिए। ओके गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।